हर साल भारत के स्वतंत्र दिन की पूर्व संध्या हम शाम को तिरंगा यात्रा निकालते हैं और 1947 में पहला ध्वजारोहण 12:04 में हुआ था। ऐसे ही हम लोग पहला ध्वजारोहण यहाँ अपने सभी तिरंगा यात्रा लाके उसमें सभी हमारे वीर पुरुषों ने जो स्वतंत्र के लिए आहुति दी थी, ऐसे सभी वीर पुरुषों को एक शोभा यात्रा में लेके हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। लोगों का उत्साह रहता है कि पूरा दिन कार्यक्रम करते हुए रात को इस भव्य संख्या में लोग आकर आज यहाँ हमारे तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं। और आज आप देखेंगे तो इतना अच्छा दृश्य होता कि बारिश में भी हमारी एक भी मशाल बुझी नहीं और हमारी ज्योत ये अखंड रहेगी। अखंड भारत जैसा है हमारी हमारी अखंड ज्योत, अमर ज्योत ये हमारी अखंड रहती है। रात को झंडा बंधन के पीछे क्या मंशा है, दर्शकों को बताइए कि रात को झंडा बंधन। देखो 14 अगस्त को जब भी देश की फालनी हुई, ये धर्म के अनुसार हुई थी, जिस हालत में लोग हमारे पाकिस्तान से लोगों को जमीन जुमला सब छोड़ के आना पड़ा, हमारे बांग्लादेश में जिन लोगों के पास जाना पड़ा, ऐसे लोगों की जो ये रहती है आत्मा रहती है उनके स्मरण के इसमें नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि भाई हमारे स्वतंत्र कैसा मिला है। स्वतंत्र मिलने के लिए हमारे जवानों ने अपने प्राण की आहुति कैसी दी है, हजारों लोगों ने अपने कष्ट लेके भारत को अंग्रेजों से गुलामी से बाहर लाके भारत स्वतंत्र किया है। इसीलिए हम हर साल 14 अगस्त को रात को ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं। बल्ले 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 बल्ले।